स्टूडेंट्स, टुडेस चैप्टर इज व्हाट, क्या, वेयर, कब, हाउ, कहाँ एंड व्हेन, कैसे। ये हमारे हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट का नाम है। देखिए राशिदास क्वेश्चन, ये एक आपकी पिक्चर दिखाई हुई है एक लड़की की जिसका क्या नाम है राशिदा। राशिदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर। जो राशिदा है वो बैठी हुई है और क्या कर रही है, रीडिंग द न्यूज़पेपर। सडनली हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन। सडनली अचानक से उसकी जो आईज हैं वो एक स्मॉल छोटी हेडलाइन के ऊपर जाती हैं। 100 ईयर्स एगो क्या पढ़ रही है वो, 100 साल पहले। हाउ सी वंडर्ड, वह सोचने लगी कि हाउ, कैसे कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपन्ड सो मैनी ईयर्स एगो। अब वो सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि व्हाट हैड हैपन्ड, इतने साल पहले क्या हुआ था। फाइंडिंग आउट वॉट हैपन्ड, अब पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएं इस बात को। यस्टरडे यू कुड लिस्न टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड अ न्यूज़पेपर। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, आप टेलीविज़न देख सकते हो या फिर न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो। लास्ट ईयर पिछले साल, आज समबॉडी वो रिमेंबर्स लास्ट ईयर पिछले साल, यह जानने के लिए कि क्या हुआ था। बट वट अबाउट लॉन्ग एगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। लेकिन आप किसी व्यक्ति से आप इसके लिए बात कर सकते हो, आज समबॉडी, ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम ऐसे व्यक्ति से आप बात कर सकते हो जिसे कुछ याद हो, रिमेंबर हो पीछे का, या लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है। आप हो सकता है किसी से पूछो, रेडियो सुनो, न्यूज़पेपर देखो, टेलीविज़न देखो, या किसी से पूछे जिसको कुछ याद हो पास्ट का। आगे है, वॉट कैन वी नो अबाउट दी पास्ट, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। वॉट कैन वी नो, देखिए, देर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं पास्ट में जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक वट पीपल एट, कि लोग क्या खाते थे। द काइंड ऑफ क्लोथिस, किस प्रकार के वो कपड़े पहनते थे। द हाउसेज इन विच दे लाइव्ड, वो हाउसेज जहाँ वो रहते थे, इट मीन्स किस तरह के घरों में वो रहते थे, किस टाइप के कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हम उनकी लाइफ के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। किनकी लाइफ के बारे में, हंटर्स, जो हंटर्स होते हैं ना, हंटिंग करने वाले, आर्किटेक्ट शिकारी बोलते हैं। हर्डर्स क्या होते हैं, पशुपालक, जो पशुओं को पालते हैं। फार्मर्स, किसान। रूलर्स, शासक हो गए। मर्चेंट्स, व्यापारी। प्रिस्ट, पुजारी। क्राफ्ट पर्सन कौन होते हैं, शिल्पकार। आर्टिशियन कौन से होते हैं, कलाकार। और म्यूजिशियन, संगीतकार। एंड साइंटिस्ट आप किसको कहेंगे, वैज्ञानिक को। इट मीन्स इन सब की लाइफ के बारे में हम जानकारियाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि चिल्ड्रंस कौन से गेम प्लेड करते थे पास्ट में। द स्टोरीज दे हियर्ड, कौन सी स्टोरीज वो सुनते थे। द प्लेज दे सा, ऐसे कौन से प्ले थे जो वो देखते थे। द सॉन्ग्स दे सेंग, और कौन कौन से वो गाने गाते थे। ये सब हम पास्ट की बातें फाइंड आउट कर सकते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, अब हम देखेंगे कि लोग कहाँ रहते थे। फाइंड आउट द रिवर नर्मदा ऑन मैप फर्स्ट, पेज नंबर 2। आपको पेज नंबर 2 के ऊपर जो मैप दिया हुआ है उसमें आपको नर्मदा नदी को फाइंड करना है, ठीक है। कौन सी नदी को, नर्मदा, तो आपको दिख रही है नर्मदा नदी। देखिए आपको नर्मदा नदी को फाइंड आउट करना है, तो आप देखेंगे नर्मदा नदी, ठीक है। ये देखिए, ये नर्मदा नदी है, ये रखी, ये MP में, देखिए यहाँ से ये गुजरात, ये आपका MP है और ये नर्मदा नदी है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, कहाँ आए थे हम, कि पीपल्स कहाँ रहते हैं। तो हमने नर्मदा नदी को देखा, पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स एगो। जो पीपल्स थे वो अलोंग विद द बैंक, इट मीन्स जो नदी का किनारा है, इट मीन्स कई लाख वर्ष पहले से ही लोग इस रिवर के तट पर, बैंक के ऊपर रहे हैं। नर्मदा नदी जो हमने देखी है उसके तट पर, बैंक पर रह रहे हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल वो लाइव्ड हेयर वर स्टिल गेदर्स, दैट इज पीपल वो गेदर देयर फूड। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल्स, यहाँ रहने वाले जो अर्लीस्ट, जो स्टार्टिंग के जो लोग थे, आरंभिक लोगों में से सम, कुछ क्या थे, स्किल होता है ना कि इस चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट है, स्किल, कुशल। गेदर्स जो चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, तो उनमें से यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ
कुशल गेदर संग्राहक थे जो अपने आसपास क्या करते थे, गेदर फूड करते थे। इट मीन्स जो अपने आसपास के जंगलों से बहुत ही वास्टली भोजन इकट्ठा करते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ द प्लांट्स इन द सराउंडिंग्स। वो अपने आसपास सराउंडिंग में जो भी प्लांट्स थे ना, पेड़ पौधे थे, उनकी वास्ट वेल्थ, इट मीन्स उनकी जो संपत्ति, वेल्थ होता है ना कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी लाइक, तो उससे वो अच्छी तरह से परिचित थे, क्योंकि वो लोग जंगल में रहते थे और उन्हें पता था कि कौन से पेड़ से कौन सी जड़ी बूटी बनाई जा सकती है, कौन सा आयुर्वेद के लिए यूज हो सकता है, तो उनको उनकी वेल्थ के बारे में पता था, फॉरेस्ट के एंड कलेक्टेड रूट्स। और वो क्या क्या कलेक्ट करते थे, जड़े, रूट्स, फ्रूट्स, फल एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ द एयर फूड। और जंगल से जो अन्य प्रोडक्ट्स थे उनको वो क्या करते थे, गेदर करते थे, लाइक हनी और भी चीज़ें हैं। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो एनिमल्स को क्या करते थे, हंटेड, उनका शिकार भी करते थे। अब हम देखेंगे, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किर्थन हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब आपको मैप के अंदर सुलेमान और किर्थन जो हिल्स हैं उनको फाइंड आउट करना है। सम ऑफ द एरियाज वेयर वीमेन एंड मैन फर्स्ट बिगैन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज वीट एंड बार्ले अबाउट 8,000 ईयर्स एगो आर लोकेटेड हेयर। आपको मैप में जाना है और सुलेमान और किर्थर को देखना है। फिर आपको देखना है कि ये जो सुलेमान और किर्थर हिल्स का जो एरिया है जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, वेयर, जहाँ पे वीमेन, औरतें और मैन दोनों फर्स्ट बिगैन टू ग्रो क्रॉप्स, इट मीन्स इन पहाड़ियों में 8,000 साल पहले मैन और वीमेन ने सबसे पहले वीट, गेहूँ और बार्ले जो जैसी क्रॉप्स को क्या किया था, उपजाना शुरू किया था, ग्रो करना शुरू किया था 8,000 ईयर्स पहले, ठीक है, जो इस स्थान पर रहते हैं। पीपल आल्सो बिगन रियरिंग एनिमल्स, जो पीपल्स हैं उन्होंने रियरिंग एनिमल्स इट मीन्स पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया। और कौन कौन से थे, लाइक शिप, भेड, गोट, बकरी एंड कैटल, ठीक है, कैटल में तो आपके सब आ जाएंगे पशु, गाय, बैल, एंड लाइव्ड इन विलेजेस। और ये कहाँ रहते थे, गाँव में रहते थे। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया। सबसे पहले हम इनको लोकेट कर लेते हैं। देखिए हमने पहले क्या देखा था, सुलेमान और किर्थन पहाड़ियों को लोकेट करेंगे हम, ठीक है। ये देखिए, ये सुलेमान आपको दिख रहा है, ये सुलेमान और किर्थन पहाड़ियाँ हैं आपकी यहाँ पे, इट मीन्स नॉर्थ वेस्ट में, इधर हैं नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। इसके बाद हमने देखा गारो हिल्स, गारो हिल्स देखिए ये मेघालय में है, कौन से स्टेट में है, मेघालय में इधर, ठीक है, जो कि कहाँ है आपका, नॉर्थ ईस्ट में तो सुलेमान किर्थर है और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में ये है, ठीक है, और ये नॉर्थ वेस्ट में है इधर, और ये नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में इधर सेवन सिस्टर्स भी हैं, तो मेघालय के ऊपर ही गारो हिल्स हैं यहाँ पे, तो ये आपको लोकेट करके देखना है अच्छे से, ठीक है। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया, और जो विंध्याज है ये आपके एमपी में, देखिए नर्मदा के जस्ट ऊपर विंध्याज लिखा हुआ है, तो ये जो विंध्याज है ये आपके एमपी में है, ये हमें देखना है मैप में, और आपको मैप में ये सारी चीज़ें लोकेट करनी है, नर्मदा रिवर, सुलेमान किर्थर हिल्स, गारो हिल्स और विंध्याज। दीज वर सम ऑफ दी अदर एरियाज वेयर, कुछ अदर एरियाज भी हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप्ड, इट मीन्स कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे कृषि, एग्रीकल्चर क्या हुई है, डेवलप हुई। द प्लेसेज वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्याज। देखिए ये एक ऐसी जगह के बारे में बता रहे हैं जहाँ पे सबसे पहले क्या प्रोडक्ट किया गया, क्या ग्रो किया गया, राइस, चावल, इट मीन्स कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ और जहाँ सबसे पहले राइस लगाया गया, वो जो स्थान है वो विंध्या के उत्तर में स्थित है। विंध्याज हमने देखा आपके सेंट्रल में है, एमपी में है, जस्ट उसके उत्तर में, इट मीन्स उसके ऊपर वो जगह है जहाँ पे पहली बार राइस लगाया गया। आगे देखिए, ट्रेस द रिवर्स इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब आपको ट्रेस द रिवर, अब आपको कौन सी रिवर देखनी है, इंडस, अब आपको इंडस नदी देखनी है, इट मीन सिंधु नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ आपको देखनी है कि कौन कौन सी उसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये हम देखेंगे मैप के अंदर, देख लेते हैं मैप। देखिए ये आपका मैप है, इसमें आपको देखना है कि कौन सा मैप देखना है आपको, इंडस, आपको इंडस नदी देखनी है इस मैप के अंदर, ठीक है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज आपको देखनी है। तो इंडस नदी आपको दिख रही है, देखिए ये इधर है इंडस नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज आपको दिखाई देंगी, ये देखिए ये इंडस नदी है, दिख रही है आपको इंडस नदी, और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये इंडस नदी की सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ हैं, तो आपको ये मैप में करना है। इसके आगे हम देखेंगे,
ट्रेस दी रिवर्स इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अभी हमने इंडस देखी, उसकी सहायक नदियाँ देखी, जिना झेलम चिनाव रावी सतलज, ये हमने इसकी सहायक नदियाँ देखी हैं। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स, जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जो सहायक नदियाँ होती हैं, वो स्मॉलर छोटी नदियाँ होती हैं, दैट फ्लो इंटू अ लार्जर रिवर, जो कि एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। अबाउट 4700 ईयर्स एगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर्स। देखिए 4700 ईयर्स एगो इन्हीं नदियों के कुछ किनारे, जो इन्हीं नदियों में से जो कुछ है इसमें स्टार्टिंग में कुछ नगर, कुछ इन नदियों के बैंक्स किनारे पर अर्लीस्ट सिटीज़, पहले की जो सिटीज है फ्लरिश्ड हुई, फ्लरिश इट मीन्स वो फली फूली नदियों के किनारे पर। लेटर अबाउट 2500 ईयर्स एगो, इसके बाद 2500 साल पहले सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा, इसके बाद जो सिटीज़ है वो कहाँ डेवलप हुई, गंगा नदी पर, गंगा नदी के तट पर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलोंग द सी कोस्ट। इसमें दिखा रखा है देखिए कि 4700 साल पहले तो जो नदियाँ हैं वो इंडस, जो सिटीज़ हैं वो इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज के सारे डेवलप हुई, उसके बाद 2500 ईयर्स पहले जो सिटीज़ हैं वो गंगा नदी के बैंक पर उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास डेवलप हुई। गंगा नदी आपको अपने मैप में देखनी है और फिल करनी है। ये देखिए गंगा नदी है जो कि उत्तराखंड से निकल करके आपके ये यहाँ पे गंगा नदी है वो उत्तराखंड में निकल करके उत्तराखंड के गंगोत्री से यूपी में बहते हुए बिहार में, ये बिहार में जाते हुए और इधर ये वेस्ट बंगाल में जाते हुए और मिल जाती है, ठीक है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी इसमें मिलती है यहाँ पे। तो ये आपकी गंगा नदी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी सबसे बड़ी नदी यमुना है, ये देखिए चंबल, ये सारी ट्रिब्यूटरीज इसकी दिखा रखी है, सोन गंडक और भी हैं, ठीक है, जो नीचे हैं ये देखिए सोन भी दिखा रखी है, ये गंगा नदी है उसकी ट्रिब्यूटरीज है। इट मीन्स यहाँ 2500 साल पहले नदियाँ क्या सिटीज़ क्या हुई, फ्लरिश्ड हुई। तो आपको टाइमिंग याद रखना है। आगे हम देखेंगे लोकेट दी गंगा, ये हमने अभी लोकेट किया गंगा नदी को एंड इट्स ट्रिब्यूटेड कॉल्ड दी सोन, सोन नदी देखिए नीचे है जस्ट, ये रही सोन नदी, ये देखो ये सोन नदी है, ठीक है, आपको दिखाई दे रही होगी सोन नदी, नहीं दिखाई दे रही तो देखो ये सोन नदी है, ठीक है, इसकी सहायक नदी है गंगा की। तो ये कह रहे हैं उसको पहले इसको हमें लोकेट करना है सोन नदी को, तो हमने लोकेट किया। इन एंशियंट टाइम्स, पुराने समय में, प्राचीन समय में, द एरिया अलोंग दीज रिवर्स, इन नदियों के किनारे जितना भी एरिया है, क्षेत्र है, टू द साउथ ऑफ द गंगा, गंगा के साउथ में, वाज नोन एज मगधा, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए कि गंगा नदी के साउथ में इन नदियों के आसपास का जो भी रीजन है, क्षेत्र है, वो एंशियंट टाइम में, प्राचीन काल में, उसको हम क्या किस नाम से जानते थे, मगध। अपने गुप्त साम्राज्य में मगध बढ़ा, आपने मौर्य में भी पढ़ा होगा, जो कि प्रेजेंट टाइम पे कहाँ है, बिहार में। इट मीन्स जो बिहार है वो प्रेजेंट टाइम में किस नाम से जाना जाता था, मगध। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, और जो मगध के जो रूलर शासक थे वो कैसे थे, पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली थे, एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, और ये बहुत ही शक्तिशाली इनका किंगडम था, इसका साम्राज्य बहुत ही विशाल बड़ा था। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, किंगडम्स इट मीन जो साम्राज्य है वो कंट्री के अदर पार्ट्स, अदर पार्ट्स में भी उनकी स्थापना हुई थी, ऐसा नहीं है कि यहीं पे थे, अदर पार्ट्स में भी कंट्री के वो सेटअप थे। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू द अनदर, लोगों ने हमेशा, सब कॉन्टिनेंट होता उपमहाद्वीप के, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रैवल यात्राएं की। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयस, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स, ये कह रहे हैं द हिल्स की कभी कभी सम बट नेवर इम्पॉसिबल, द हिल्स और जो देखिए कभी कभी क्या होता है, हिल्स पहाड़ियाँ, हाई माउंटेन्स ऊँचे ऊँचे पर्वत, इंक्लूडिंग द हिमालयस, ऊँचे ऊँचे पर्वतों में क्या इंक्लूड है, हिमालय पर्वत, डेजर्ट, मरुस्थल, रिवर्स, नदियाँ और सीज, सागर, जो हमारी जर्नी है उसको क्या बनाते थे, डेंजरस, खतरनाक बनाते थे, एट टाइम्स कभी कभी, बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन कभी कभी ये फिर भी जो ये यात्राएं हैं उनके लिए इम्पॉसिबल नहीं थी। ये कह रहे हैं कि कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत हैं, पहाड़ियाँ हैं, रेगिस्तान हैं, नदियाँ हैं और समुद्र के कारण यात्रा कैसी हो जाती थी, जोखिम भरी, डेंजरस वाली, फिर भी ये जो यात्राएं हैं उनके लिए असंभव नहीं होती थी। सो मैन एंड वीमेन मूव इन द सर्च ऑफ लाइवलीहुड, इसलिए जो मैन और वीमेन थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे, किस लिए, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड्स, अपने जीवन के लिए, ठीक है।
एज ऑल्सो इट टू स्केप फ्रॉम नेचुरल डाइजेस्टर्स लाइक फ्लड्स और ड्रोट्स. और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करते थे. क्यों? क्योंकि जो नेचुरल जो प्राकृतिक डेजर्ट हो जाता है, जो प्राकृतिक वहाँ पे डाइजेस्टर आपदा आ जाती है, जैसे फ्लड बाढ़ हो गई, ड्रोट सूखा पड़ गया, तो भी वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे. क्योंकि मान लो जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ डाइजेस्टर फ्लड आ गई तो उनको खाने को कुछ नहीं मिलेगा, उनकी लाइवलीहुड के लिए खतरा हो जाएगा, तो वहाँ से मूव कर देंगे. सूखा पड़ जाएगा, बारिश नहीं होगी, तो भी वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेंगे. समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज, जो कभी कभी क्या होता था, जो मैन थे वो सेनाओं में कॉन्क्वेरीज अदर लैंड्स, दूसरों के लैंड्स को कॉन्क्वेयर करने जीतने में के लिए जाते थे. बिसाइड्स इसके अतिरिक्त मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विद कारवाज और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इसके अतिरिक्त देखिए हमने क्या देखा कि जो कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर कॉन्क्वेयर जीतने के लिए, विजय हासिल करने के लिए जाती थी. राजा हैं, एक राजा दूसरे राजा के ऊपर अटैक करता था, उसकी लैंड को जीतता था, तो अपने साथ वो अपनी आर्मी ले जाएगा, तो इसलिए वो जाते थे. और इसके अतिरिक्त जो मर्चेंट्स हैं, जो व्यापारी है, वो भी ट्रैवल करते थे. लेकिन ट्रैवल करते थे यात्रा तो किसके साथ, अपने पूरे काफिले के साथ या फिर जहाज़ों में अपने साथ जाते थे. और क्या लेके जाते थे, वैल्यूएबल गुड्स, बहुत ही मूल्यवान चीज़ें लेके जाते थे एक जगह पर से दूसरी जगह पर. एंड रिलीजियस टीचर्स वर्क फ्रॉम विलेज टू विलेज. रिलीजियस टीचर्स जो होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, धार्मिक गुरु, जिनको अपने धर्म की जानकारी होती है, जो लोगों को धर्म की जानकारी देते थे. वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, वो गांव से गांव तक जाते थे चल के, टाउन टू टाउन से, स्टॉपिंग टू अदर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन दी वे. इट मीन्स धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और एडवाइस सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक और एक टाउन से दूसरी टाउन तक जाया करते थे. फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल्ड ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस. कुछ लोग नए, न्यू और एक्साइटिंग होता है ना, कि बहुत ही आप किसी चीज़ को देख एक्साइट हो जाते हैं, रोचक प्लेसेस को खोजने की चाह में वो डिस्कवर करने के लिए वो शायद एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा किया करते थे. इट मीन्स कुछ पीपल ट्रैवल क्यों करते थे, कि उनको एडवेंचर करना था या वांटेड टू डिस्कवर, कुछ खोजना था, एन एक्साइटेड प्लेसेस जो उनके लिए रोमांचक हो, इसलिए भी वो यात्राएं करते थे. अब हमने देखा यात्रा क्यों करते थे, धार्मिक गुरु शिक्षा देने के लिए यात्रा करते थे, कुछ मर्चेंट्स करते थे यात्रा अपने स्थान वैल्यूएबल गुड्स को ले जाने के लिए, कुछ सेनाओं की वजह से बाहर जाते थे, ठीक है, ये सब हमने देखा, कुछ ड्रोट या फ्लड होने की वजह से एक स्थान से दूसरे जगह पर जाते थे, तो इनका मूव ओवर करने के ये रीजन्स यहाँ बता रखे हैं. व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउडेज, ये तो एंशियंट टाइम की बात बताई थी, लेकिन आज लोग यात्रा क्यों करते हैं. लुक एट मैप वंस मोर, आपको फिर से एक बार मैप देखना होगा, हिल्स देखनी होंगी, माउंटेन्स देखने होंगे, एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. इट मीन्स आपको पहाड़िया, पर्वत, समुद्र, इस उपमहाद्वीप की जो नेचुरल कॉन्टिनेंट, नेचुरल फ्रंटियर, जो नेचुरल सीमा है, उसका निर्माण करते हैं, ये सब आप देखते हो. वैन वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, और जब इन फ्रंटियर, जब इन सीमाओं को क्रॉस करना आसान नहीं था उस टाइम पे, दोज वो वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सीज. लोगों के लिए इन फ्रंटियर्स को पार करना आसान नहीं था, जिन्होंने ऐसी विश की वे ऐसा कर सके कि हमें करना है, तो उन्होंने इसको कुड, वो वांटेड कुड, तो उन्होंने किया एंड डिड स्केल द माउंटेन्स, और उन्होंने माउंटेन्स को, ऊंचाई को छुआ, चूस के वो लोग. पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हेयर. इस सब कॉन्टिनेंट के बाहर से, अक्रॉस बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं क्या हो गए, सेटल्ड हो गए, यहाँ पे बस गए. दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल अनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशंस, इन लोगों की जो मूवमेंट्स हैं, इससे हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनको क्या हुआ, अनरिच हुई वो, इट मीन्स समृद्ध की गई वो, फ्लरिश हुई, फली फूली. पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, जो पीपल थे उन्होंने अपने आइडियाज़ को शेयर किया, क्या करने का, कार्विंग स्टोन, पत्थर को तराशने का, कंपोजिंग म्यूजिक, संगीत रचने का, एंड इवन कुकिंग फूड, इवन जो भोजन बनाने के, फूड के जो हंड्रेड ईयर्स, सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स, इट मीन्स जो खाने बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे से वो क्या करते थे, विचारों को अपनाते थे, एक दूसरे से बात करते थे. अब हम देखेंगे नेम्स ऑफ द लैंड, कि
ग्लैंड्स के क्या क्या नाम थे। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। आप अपने देश के लिए देखते हो कि हम क्या यूज़ करते हैं, इंडिया और भारत जैसे नामों का हम यूज़ करते हैं अपने देश के लिए। द वर्ड इंडिया, अंडरलाइन करेंगे आप इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। द वर्ड इंडिया, जो इंडिया शब्द है, कम्स कहाँ से आया, फ्रॉम द इंडस। अभी हमने इंडस नदी देखा था ना, इंडिया शब्द इंडस से निकला है। कोल्ड सिंधु इन संस्कृत, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। फाइंड ईरान एंड ग्रीक इन योर एटलस, एटलस में आपको ईरान और ग्रीक सिटी कंट्रीज़ को देखना है। द ईरानियंस एंड ग्रीक्स वू केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स एगो। आपको देखना है कि जो 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की ओर, नॉर्थ वेस्ट की ओर से आने वाले ईरानी और अभी ग्रीक यूनानियों ने एंड वर फैमिलियर विद द इंडस कॉल्ड इट द इंडोस और द इंडोस एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ रिवर्स वॉज कॉल्ड इंडिया। देखिए 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की ओर से, इट मीन्स पाकिस्तान की साइड से, जो ईरानी और यूनानी आए उन्होंने सिंधु को क्या कहा था, इंडोस। और इंडोस कहाँ उनको, अंडर लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर्स, और जो रिवर्स के साइड में, नदी के ईस्ट में, पूर्व में जो लैंड थी उस प्रदेश को इन्होंने क्या कहा, इंडिया। तो इस नदी के पूर्व के भाग को इन्होंने क्या नाम दे दिया, इंडिया। और इंडिया इंडस को ये क्या कहते थे, इंडोस या इंडोस। द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो भारत है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज किया जाता था। वो लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, जो कहाँ रहते थे, नॉर्थ वेस्ट में। एंड वो वार मेंशन इन द ऋग्वेदा, जिनको ऋग्वेद में भी मेंशन किया गया है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत ऋग्वेद, जो कि सबसे पहले कंपोजिशन थी संस्कृत में, डेटेड दिखा रखे यहाँ पे लगभग 3500 ईयर्स एगो की बात है। लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, बाद में ये पूरी कंट्री के लिए यूज हुआ। तो आप इस लाइन को अच्छे से समझेंगे कि ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की ओर से जो ईरानी यूनानी आए उन्होंने सिंधु को इंडोस और इंडोस का, और इस नदी के पूर्व में जो लैंड थी उसको इंडिया का। भरत नाम का प्रयोग, जो भरत है उस नाम का जो यूज है स्टार्टिंग में उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के ग्रुप के लिए किया जाता था, इट मीन्स एक ग्रुप के लिए। और इस ग्रुप का जो उल्लेख है वो कहाँ पे है, संस्कृत की एक सबसे आरंभिक कृति है ऋग्वेद में। आप देखते हो ना चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जो यजुर्वेद है जो संस्कृत में था, जो कि लगभग 3500 साल पहले लिखा, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। बाद में ये पूरी कंट्री के लिए यूज होने लगा भारत, पहले एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज होता था। हम देखेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, कि अतीत के बारे में हम कैसे जाने, फाइंड आउट कैसे करें। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, देखिए अतीत के फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं हम उसकी जानकारी, कई तरीके हम देख सकते हैं। वन, सबसे इज टू सर्च फॉर, पहले तो हम सर्च करें, ढूंढना शुरू करें। एंड रीड बुक्स, बुक्स को पढ़ें, दैट वर रिटन लॉन्ग एगो, इट मीन्स हमें से एक तरीका क्या है कि हम अतीत को जानना चाह रहे हैं तो हम अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढें और उनको हमें पढ़ना है। दीज आर कॉल्ड मैनुस्क्रिप्ट, और इनको हम क्या कहेंगे, मैनुस्क्रिप्ट। मैनुस्क्रिप्ट इट मीन्स ये बुक्स हाथ से लिखी होने के कारण, मैनुस्क्रिप्ट क्या होती है, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। मैनुस्क्रिप्ट मीन्स कि वो कहाँ से लिखी गई है, हाथ से लिखी गई है। दीज कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैन्यू, अब देखिए मैनुस्क्रिप्ट का आपको पता होना चाहिए, तो आप कहोगे कि ये कहाँ से लिखी गई है, हाथ से, कि देवर रिटन बाय हैंड, तो हम इनको क्या कह रहे हैं, मैनुस्क्रिप्ट। अब एक क्वेश्चन भी बनता है कि मैनुस्क्रिप्ट कौन से वर्ड से आया, तो दीज कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैनुस्क्रिप्ट, लैटिन वर्ड है मैन्यू, वहाँ से निकला है, जिसका मीनिंग क्या है, हैंड, हाथ है। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, अब ये क्वेश्चन भी अच्छा है कि मैनुस्क्रिप्ट किसके ऊपर लिखी जा रही है, तो ये जो पांडुलिपियाँ हैं ये पाम, ताड़ का पत्र होता है ना, ताड़ पत्र पर, और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर बार्क ऑफ अ ट्री, देखिए ताड़ पत्र हो गया और एक बार्क ट्री होता है, नोन एज द बर्च वो विच ग्रोज इन द हिमालयाज, हिमालय क्षेत्र में एक बुर्ज नाम का पेड़ है, बार्च जिसको बोलते हैं, उसकी छाल से विशेष तरीके से ये बनाए जाते थे, उन पर ही लिखी जाती थी। तो आपको याद करना है कि रिटर्न ऑन पाम लीफ, और स्पेशली प्रीपेड किए जाते थे बार्क ट्री, जो कि किस नाम से जाना जाता है, एच बर्च, जो कहाँ मिलता है, हिमालय में। ओवर द ईयर्स मैनुस्क्रिप्ट वर इटन अवे बाय इंसेक्ट्स, अब देखिए मैनुस्क्रिप्ट है, ये देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में, ये मैनुस्क्रिप्ट का
तो ये ओवर द ईयर्स, अब क्या होता है कि ओवर द ईयर्स इतने वर्षों में ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है इनको कौन खा जाएंगे, कीड़े खा जाएंगे। आप अपनी बुक्स को भी रख देते हो तो आप देखते हो तो इंसेक्ट ने खा ली, सम वर डिस्ट्रॉय और कुछ को नष्ट कर दी गई, बट मैनी लेकिन बहुत सी हैव सर्वाइव्ड। इस मीन्स कुछ मैन्युस्क्रिप्ट को तो कीड़ों ने खा लिया और कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी ऐसी कई मैन्युस्क्रिप्ट आज भी हमारे पास हैं, वो ऑफन प्रिजर्व इन टेम्पल्स, जो कि कहाँ हैं, मंदिरों में एंड मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्रीज होते हैं विहार, रहने की जगह जो होती है बुद्ध मोंक की, जो बुद्धिस्ट होते हैं उनके लिए। तो आज भी ये पांडुलिपि आपको मिल जाएंगी मंदिरों में और मोनेस्ट्रीज विहारों में। दीज बुक्स डील्ड विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, ये जो बुक है ये ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, रिलीजियस बिलीफ्स, इन पुस्तकों में आप रिलीजियस धार्मिक बिलीफ्स, विश्वास एंड प्रैक्टिसाइज, जो धर्म के सिद्धांत होते हैं, धार्मिक सिद्धांत, रीति रिवाज, द लाइव्स ऑफ किंग्स, राजाओं की लाइफ, मेडिसिन एंड साइंस, आप इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताएं हैं, राजाओं का जीवन है, औषधि है, साइंस विज्ञान है आदि, सभी प्रकार के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको उनकी चर्चा मिलती है, डिल्ट मीन्स चर्चा मिलती है। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त देयर वर एपिक्स, आप एपिक भी देखते हो इसके अतिरिक्त, एपिक इट मीन्स महाकाव्य, लाइक महाभारत, और ऐसे ही महाभारत आपका एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, तेलुगु में भी लिखे गए हैं, शिल्पाधिकारम इलंगो आदिकल ने लिखी है, सत्यनार ने लिखी है, ठीक है, यह आप देखेंगे मणि मेखलई आगे वाले चैप्टर में। तो एपिक्स भी लिखे गए, पोइम्स लिखी गई, प्ले भी किए गए, मतलब आप इसके अतिरिक्त यहाँ महाकाव्य देख सकते हो, पोइम कविताएँ और प्ले भी आप यहाँ पे भी आपके पास प्रोवाइड है। मैनी ऑफ दिस वर रिटन इन संस्कृत, इनमें से अधिकतर कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में लिखे हुए मिलते हैं। अदर्स वर इन प्राकृत, और जबकि अन्य आपको प्राकृत और प्राकृत में मिलते हैं एंड तमिल में। लैंग्वेज यूज बाय ऑर्डनरी पीपल, इसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्राकृत और तमिल में आपको मिल सकते हैं, और ये जो तमिल और प्राकृत है ये ऑर्डनरी पीपल, साधारण लोग यूज करते थे। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, अब हम पढ़ेंगे अभिलेख, इंस्क्रिप्शन, उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं। दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल, ऐसे लेख राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस, हार्ड सरफेस कठोर धातु पर, कठोर सतह पर लिखे गए हैं, जैसे स्टोन पत्थर हो गया और मेटल धातु। इट मीन्स जो इंस्क्रिप्शन है कहाँ लिखे जाएंगे, कोई कठोर पत्थर हो, स्टोन हो, या हार्ड सरफेस हो, और कोई मेटल धातु पर। देखिए एग्जांपल है, ये पत्थर का सा एग्जांपल दिख रहा है कि पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है, तो इंस्क्रिप्शन है। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्स सो दैट पीपल कुड सी रीड एंड ओबे देम, समटाइम्स कभी कभी किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स, राजा जो होते थे अपने ऑर्डर्स को, आदेशों को इन पर इंस्क्राइब खुदवा देते थे, रीड एंड ओबे देम, कि इनको पढ़ें, देख सकें, पढ़ सकें और एक दूसरे इनका पालन लोग कर सकें। देयर आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस, वहाँ पे अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस, अन्य अभिलेख भी होते थे एज वेल, दूसरे भी अच्छे से। वेयर मैन एंड वीमैन, जहाँ पे मैन और वीमैन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस, जिसमें राजा और रानी भी इंक्लूड थे, रिकॉर्ड करते थे व्हाट दे डिड, कि वो क्या कर रहे हैं। इट मीन्स कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजा रानी के साथ साथ अन्य मैन एंड वीमैन ने भी अपने जो उनके कार्य हैं, एक्शन हैं, उनका पूरा उत्कीर्ण वहाँ पे दिया है, लिखवाया है, रिकॉर्ड करवाया है। फॉर एग्जांपल, जैसे किंग्स ऑफन कैप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन दी बैटल, एग्जांपल के लिए जो किंग्स हैं वो बैटल्स लड़ाइयों में जिनमें भी उन्होंने रिकॉर्ड हासिल की है, विक्ट्री जीत हासिल करते थे, वो वहाँ पे लिखवा देते थे। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस, क्या आप बता सकते हो कि हार्ड सरफेस पर लिखवाने के क्या लाभ थे, आपको बताना है मुझे, ठीक है, कमेंट में। एंड व्हाट कुड हैव दी बीन डिफ़िकल्टीज, और उसमें कठिनाइयाँ क्या आती थी। इट मीन्स आप हार्ड सरफेस पर लिखवाई जा रही है ना मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस क्यों, और जब इंस्क्रिप्शंस लिखवाए गए तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती थी। देयर वर मैनी अदर थिंग्स, अन्य चीज़ें भी थी दैट वर मेड, जो बनाई जाती थी, बनी एंड यूज इन द पास्ट। इट मीन्स इसके अतिरिक्त हमने मैन्युस्क्रिप्ट देखा, इंस्क्रिप्शन देखा, इसके अतिरिक्त कई ऐसी चीज़ें थी जो पास्ट में बनी और यूज में लाई जाती थी। दोज वो स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, अब क्वेश्चन अच्छा है, और जो ऐसी वस्तुओं का स्टडी करते थे, अध्ययन करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते थे, आर्कियोलॉजिस्ट, इट मीन्स पुरातत्वविद कहलाता है। क्वेश्चन बनता है ना कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, तो जो अतीत की कई चीज़ों में स्टडी करते थे
दूज वो स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स, दीज मीट मीन पास्ट के ऑब्जेक्ट्स की, वो क्या कहलाते थे? आर्कियोलॉजिस्ट्स, पुरातत्वविद। दी दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, वो उन बिल्डिंगों की स्टडी करते थे जो कि ब्रिक ईंट और स्टोन पत्थर की बनी इमारतों के अवशेषों की रीडिंग करते थे, पेंटिंग की रीडिंग करते थे एंड स्कल्पचर, स्कल्पचर होता है ना, मूर्तियों का अध्ययन करते थे। इट मीन्स ये आर्कियोलॉजिस्ट पत्थर और ईंट से बनी बिल्डिंग्स को पढ़ेंगे, पेंटिंग्स चित्र देखेंगे और स्कल्पचर मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सवेट डिग्ड, एक्सप्लोर वो इसके अतिरिक्त एक्सप्लोर करते हैं, एक्सवेट डिग मतलब खोदते हैं, क्या डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर से चीज़ों को भी खोजते हैं, टू फाइंड टूल्स, टूल्स देखने के लिए कि क्या क्या औजार मिलेंगे, वेपन्स हथियार, पोट बर्तन, पेन पेंस, ऑर्नामेंट्स आभूषण एंड कॉइन सिक्के। इट मीन्स ये बिल्डिंग की स्टडी करेंगे, पेंटिंग की और स्कल्पचर की, इसके अतिरिक्त ये एक्सप्लोर और करते थे, ठीक है, छानबीन करते थे और एक्सवेट खुदाई किन चीज़ों की, देखो सिक्कों के लिए, क्या क्या औजार हथियार बर्तन आभूषण और सिक्कों की प्राप्ति के लिए ये एक्सप्लोर छानबीन और एक्सवेट खुदाई भी करते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट स्टोन के, अदर्स ऑफ बोन कुछ हड्डियों के, बेक्ड क्ले मिट्टी के और कुछ धातु के बनी हो सकती है। इट मीन्स जो चीज़ें ये ढूंढ रहे हैं उनमें कुछ पत्थर की, कुछ पकी मिट्टी की, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं, ठीक है। ये देखिए मिट्टी का बर्तन दिखा रखा है इनको, ये मिला, ये देखो ये धातु है, ये स्टोन है, ऐसे करके आपको दिखाई दे रहा है। ऑब्जेक्ट्स डेट आर मेड ऑफ हार्ड इम्प्रेसिबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो ऑब्जेक्ट्स जो कि हार्ड कठोर और इम्प्रेसिबल होता है कि जल्दी नष्ट न होने वाला सब्सटेंसेस तत्व होने वाले होते हैं। इट मीन्स ऐसे तत्व जो कठोर होते हैं और जल्दी नष्ट न होने वाले रहते हैं। देखिए लेफ्ट में दिखाया हुआ है अ पोर्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, ये पोर्ट है। पोर्ट्स लाइक दीज वर यूज अबाउट 4700 ईयर्स एगो। राइट साइड में ओल्ड सिल्वर दिखाया हुआ है, देखिए, ठीक है, देखिए। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो बोन्स को भी स्टडी करते थे, किनकी? एनिमल्स, जानवरों की, बर्ड्स पक्षियों की एंड फिश मछली की, टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, जो पुरातत्वविद में जानवर चिड़िया मछली की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं, क्यों? क्योंकि उनसे उनको हेल्प मिलती है, क्या हेल्प मिलती है कि पास्ट में लोग क्या ऐड करते थे, क्या खाते थे। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फॉर मैनी रेयरली, जो प्लांट्स हैं बहुत ही कम सर्वाइव कर पाते थे, इट मीन्स बहुत ही कम रह पाते थे, वनस्पति बच पाती थी, क्यों? इफ़ सीड्स ऑफ ग्रेन ऑफ पीसीज ऑफ वुड हैव बीन बर्नड दे सर्वाइव इन अ चर्ड फॉर्म, यदि ग्रेन के जो सीड्स हैं, दाने हैं, या जो वुड के जो पीसीज लकड़ी के जो टुकड़े हैं वो जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। डू यू थिंक क्लोथ टू इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाई आर्कियोलॉजिस्ट, क्या इनको कपड़ों के अवशेष भी मिलते होंगे, क्योंकि जो वुड के पीसीज है वो मिल जाते हैं, ग्रेन्स के जो सीड है वो भी, देखते हैं। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स वो स्टडी द पास्ट, हिस्टोरियंस इट मीन्स इतिहासकार जो कि स्टडी द पास्ट करते थे, ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रिफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैनुस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। पांडुलिपि हो गया आपका, इंस्क्रिप्शन अभिलेख हो गया, और आर्कियोलॉजी पुरातत्व से जिनकी भी इंफॉर्मेशन उनको मिलती है जानकारी के लिए, इतिहासकार हिस्टोरियंस क्या यूज़ करते हैं, सोर्स शब्द का प्रयोग करते थे, सोर्स, ठीक है, उन इतिहासकार उन्हें कहते हैं। अब हम हिस्टोरियंस किन्हें कहेंगे, इन्हें कहेंगे जो कि क्या करते हैं, रीडिंग स्टेट पास्ट, जो अतीत के बारे में पढ़ना बहुत उनको रोचक लगता है, जो अतीत का अध्ययन करते हैं, वो स्टडी द पास्ट, उनको हम क्या कहेंगे, हिस्टोरियंस। फर्स्ट लाइन है, हिस्टोरियंस किन्हें कहेंगे, दैट इज स्कॉलर्स वो स्टडी द पास्ट, और ये यूज करते हैं अतीत के लिए सोर्स शब्द को, इंफॉर्मेशन के लिए, क्या हमें ये स्रोत मिला है। वंस सोर्सेज आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट। वन सोर्सेज, इसमें से कुछ सोर्सेज जो हैं इनकी सहायता से वो बहुत पढ़ना उनको बहुत रोचक हो जाता है, इन स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना,
वन सोर्सेज वार फाउंड, जब कोई सोर्सेज मिल जाता है, कोई इंस्क्रिप्शन मिल गई, कोई मैन्युस्क्रिप्ट मिल गया, तो ये मिल गया। लर्निंग अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में लर्न करना, इट मीन्स पढ़ना, बिकम्स एन एडवेंचर, बहुत ही एडवेंचर लाइक हो जाता है। एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाई बिट, जैसे कि हम इसको दोबारा पुनर्निर्माण कर रहे हैं धीरे धीरे। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स, इसलिए हम हिस्टोरियंस इतिहासकार को और पुरातत्व को डिटेक्टिव की तरह देखते हैं, जासूसों की तरह। वो यूज ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट, जो अभी इन सभी सोर्सेज को यूज करते हैं लाइक का कह रहे हैं क्लूज, मुझे क्लू मिल गया, सुराग मिल गया, अतीत को जानने का प्रयास करते हैं स्ट्रोक होता है। जैसे आप कोई सीरियल देखते हो डिटेक्टिव का, तो वो जो मान लो किसने किसी का मर्डर कर दिया तो ढूंढता है वो किसने किया है, तो कहता है मुझे क्लू मिला है, मुझे एक सुराग मिला है कि उसने किया होगा। तो ऐसे ही हम इनको लाइक डिटेक्टिव देखते हैं, इनको हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट को। नेक्स्ट हम आपके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।